हम सभी जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी को बहुत हार्ड लगता है, और उसमें भी अगर हम बात मैथ्स टेबल की करें तो उसे याद रख पाना बच्चों को तो छोड़िए बड़ों को भी बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक आसान सा ट्रिक जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े टेबल को भी चुटकियों में याद रख सकते हैं और किसी भी एग्जाम में उसको यूज करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेबल सीखना। दोस्तों टेबल सीखने में सबसे पहले जो डिफिकल्टी होती है वो मेरे ख्याल से 9 के टेबल से शुरू होती है। हम सभी 2 से 8 तक का टेबल तो याद कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चे हो या बड़े, डिफिकल्टी का लेवल 9 के टेबल से शुरू होता है। तो आइए सीखते हैं 2 से 100 तक का टेबल। सबसे पहले टेबल ऑफ 9, और अब सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, 0 से 9 तक हम एज इट इज लिख देंगे, और उसके बगल में राइट कॉर्नर पे 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से करते हुए हम 0 तक आएंगे। और अब आप देख ही रहे होंगे कि चुटकियों में आपका 9 का टेबल तैयार हो गया। ये है 9 1 9 9 2 18 27 36 9 5 45 54 63 72 81 9 10 90। बहुत आसान। और अब हम लेते हैं टेबल ऑफ 12 को। थोड़ा सा देखने में हार्ड लगता है, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको इसको करने में भी। हमने लिखा टेबल ऑफ 12, और अब हम लेफ्ट कॉर्नर में हम लिखेंगे टेबल ऑफ 1। 1 का टेबल हम लिखेंगे, इजी है। 1 से आप इजी रूप से लिखेंगे 10 तक। और राइट कॉर्नर पे जैसा मैंने आपको बताया, आप 2 का टेबल लिखेंगे, टेबल ऑफ 2। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 इस तरह से करते हुए हम आएंगे 2 10 20 तक। और अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो 2 का टेबल है उसमें 10 के पोजीशन पे जो है उसको हम टेबल ऑफ 1 के नंबर से ऐड कर देंगे, तो हमारा 12 का टेबल तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 2 12 2 4 24 3 6 36, और यहां पर 5 1 पे जब हम आते हैं तो ऐड करते हैं। देखिएगा आप, इजी रूप से हमारा 12 का टेबल तैयार हो गया। और अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ 13 की। बिल्कुल नहीं घबराइए, इस वीडियो के एंड होने तक में आप मास्टर हो जाएंगे 2 से 100 तक के टेबल में। अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ 13 की। सेम वही करना है हमें, लेफ्ट कॉर्नर पे 1 का टेबल, राइट कॉर्नर पे 3 का टेबल। हेलो, टेबल ऑफ 1, हमने टेबल 1 का टेबल लिखना शुरू किया, आराम से हमने 10 तक लिखा, और अब हम राइट कॉर्नर पे लिखेंगे 3 का टेबल। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 12 15, बहुत आसान है, 3 का टेबल आसानी से कोई भी लिख सकता है। ये हमने लिख लिया 3 10 30, और फिर जैसा मैंने आपको कहा था 3 का 10 का पोजीशन को 1 के टेबल से हम ऐड करेंगे, तो इजी रूप में हमारा 13 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने लिखा 1 3 13 2 6 26, और 4 1 पे जब हम आए तो हमने ऐड किया। तो अब आप देख रहे हैं इजी रूप में कंप्लीट हो रहा है, कोई हार्ड नहीं है। ये एनिमेटेड वीडियो में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। और अब हम थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं, बात करते हैं 12 ऑफ 19 की। दोस्तों इसमें मैं आपको 2 ट्रिक्स देने वाला हूं, दोनों ट्रिक्स का यूज आप कर सकते हैं और आपको बहुत आसान लगेगा 19 का टेबल। फर्स्ट ट्रिक जो हमारा है उसमें हम जैसा हमने पहले किया था, लेफ्ट कॉर्नर पे हम 1 का टेबल लिखेंगे, राइट कॉर्नर पे हम 9 का टेबल लिखेंगे। तो ये हमने लिखा 1 का टेबल, 1 2 3 4 1 6 6 8 9, और ये हो गया 1 10 10। अब हम राइट कॉर्नर पे 9 का टेबल लिखते हैं, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 46 9 6 54 63 72 81 और 9 10 90। जी अब फिर वही करना है हमें, 9 का टेबल का जो 10 का पोजीशन है उसको 1 के टेबल से ऐड कर देंगे, तो हमारा 19 का टेबल इजिली हमारा बन जाएगा। ये हो गया 1 9 19। 2 प्लस 1 को हमने ऐड किया तो 38 हो गया, 3 प्लस 2 को ऐड किया तो 57 हो गया, और इसी तरह से करते हुए हम नीचे जाएंगे।
ये हो गया 152, 171, 190, बहुत आसान है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। और अब हम आते हैं सेकंड ट्रिक पर, कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसको देखेंगे तो शायद आपको और मजा आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, कोई भी फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को चुटकियों में लिख सकता है या बोल सकता है, बता सकता है। तो हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और ये हो गया 19। और अब हम राइट कॉर्नर पे हम लिखेंगे 9 से 0, हम डाउनवर्ड्स लिखेंगे उल्टा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये हो गया 0। और कहीं ऐड नहीं करना है, सिर्फ एज इट इज लिख दीजिए, 38, 57, 76, कहीं ऐड नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ सिंपल लिखिए। और ये आपका 19 का टेबल का दूसरा ट्रिक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा होगा। और अब हम बात करते हैं, थोड़ा अपना लेवल ऊपर करते हैं टेबल का, टेबल ऑफ 31, सेम वही करेंगे हम, लेफ्ट कॉर्नर 3 का टेबल, राइट कॉर्नर में 1 का टेबल, ये हो गया टेबल ऑफ 3। तो हम 3 का टेबल लिखते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 24, 3 9 27, 3 10 30, हो गया, इजी है। और अब हम आते हैं राइट कॉर्नर पे, और यहां पर हम लिखते हैं 1 का टेबल, टेबल ऑफ 1, इजी है, आपने कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। और आपको फिर यहाँ देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कीजिएगा इस वीडियो को। मुझे लगता है कि आप अगर दो बार भी अगर आप रिपीट देख लें तो आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने एज इट इज लिखना शुरू किया, 3 1 31, 6 2 62, 6 9 3 93, लिखते जाइए, कोई ऐड करना ही नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है 2 7 9 और ये हो गया 31 10 30, कंप्लीट। अब हम आते हैं टेबल ऑफ 98, देखने से शायद आप नर्वस हो रहे हो लेकिन कुछ भी डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम लिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे 9 का टेबल और राइट कॉर्नर पे 8 का टेबल। तो लेफ्ट कॉर्नर पे हम लिखते हैं टेबल ऑफ 9, लिखिए आराम से, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 72, 9 9 81 और ये हो गया 9 10 90। और अब हम राइट कॉर्नर पे लिखेंगे 8 का टेबल, टेबल ऑफ 8, इजी है, ये हमने लिखना शुरू किया 8 का टेबल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 32, नॉर्मली जैसे हम 8 का टेबल बोलते हैं बस लिखते जाइए। और अब की बार हमें क्या करना है, दोनों ही टेबल के में क्या करना है, जैसे 8 का टेबल है तो उसका 10 का पोजीशन और 9 का टेबल का यूनिट का पोजीशन में जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। 9 और 8 तो सिंपल लिखा जाएगा, उसमें हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, 9 और 8 98 हो गया, यहाँ 1 लिखा हमने और 8 प्लस 1 96 कर दिया, 9 कर दिया, तो ये 196 बन गया। इसी तरह से अंदर वाले डिजिट्स को आप ऐड कीजिए, देखिए बहुत आसान है, 98 10 980। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक